गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पेज नंबर 119 इन मैथ्स बुक. लेट अस रिवाइज. वी हैव कंप्लीटेड मनी चैप्टर, ओके, एंड टुडे वी विल डू, लेट अस रिवाइज. सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सरसाइजेस गिवन हियर. यूज द करेक्ट सिंबल. ये कौन सा साइन है? यू नो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. Use the correct symbol, greater than, less than or equal to sign. 80 paisa, 50 paisa. So which is greater? This is greater, 80 paisa. So put sign greater than, okay? 400 paisa and 4 rupees. Which is greater? Kaun sa bada hai? 400 paisa ya 4 rupees? 4 rupees na? So this is greater. So put sign here, 400 paisa less than, chota hai 4 rupees se, okay? Now look at here, 2 rupees 70 paisa. Kya hai yahan pe? 2 rupees 70 paisa and 3 rupees. So which is bigger? 3 rupees hai na? 3 rupees bada hai. So 2 rupees 70 paisa less than, chota hai 3 rupees se, okay? Now 8 rupees 800 paisa. So 800 paisa is small amount, hai na? Chota amount hai. And 8 rupees big amount hai. So 8 rupees greater than 800 paisa. Now 60 rupees. 60 rupees 78 rupees 50 paisa. To yahan pe hai 60 rupees. और यहाँ है 78. सो दिस इज बिग अमाउंट ना, ये बड़ा अमाउंट है. सो 60 रुपीज लेस देन 78 रुपीज. लुक एट हियर, ओ माय गॉड, वी नो ना 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी. सो 400 पैसा इक्वल टू 4 रुपी ना, दिस इज इक्वल टू. ये क्या हो गया? इक्वल टू हो गया, ओके. And here also 8 rupees 800 paisa. So 100 paisa equal to 1 rupee, 800 paisa equal to 8 rupee. So this is also equal to, hai na? Ye bhi equal to ho gaya and ye bhi equal to ho gaya. 100 paisa we know, 100 paisa equal to 1 rupee. Aap log starting ke chapter ke starting mein hi padhe the ki 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. सो यहाँ पे आप देखो 400 पैसा है, डैट मीन्स 4 रुपीज़ है ना. सो दोनों इक्वल टू हो गया. हियर ऑल्सो 8 रुपीज इक्वल टू 800 पैसा. सो बोथ आर इक्वल. सो पुट इक्वल साइन हियर, ओके, अंडरस्टैंड. नाउ लुक एट हियर, राइट इन फिगर एंड वर्ड्स. वर्ड्स में लिखना है और फिगर्स में लिखना है. स्टडी यू हैव डन. फिगर में कैसे लिखेंगे और वर्ड में कैसे लिखेंगे, जैसे आप नंबर नेम्स लिखते हो एज इट इज आप लिखोगे, ओके. नाउ लुक एट हियर, अमाउंट, हाउ मेनी अमाउंट, हाउ मच अमाउंट हियर. 10 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 50 पैसा. सो 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13 एंड 13 रुपीज 50 पैसा. सो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे? रुपीज का साइन दोगे, सिंबल देंगे, रुपीज 13 एंड 50 पैसा, है ना. आप इसको वर्ड में कैसे लिखोगे? 13 रुपीज, टी एच आई आर टी डबल ई एन, 13 रुपीज एंड 50, एफ आई एफ टी वाई, 50 पैसे, ठीक है. नाउ लुक एट हियर, 10 रुपीज 50 रुपीज, 50 प्लस 10 60 रुपीज एंड 60 प्लस 5 65 रुपीज. और ये क्या है? कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है, ओके, रुपीज नहीं है ये, 50 पैसा. सो 50 10 60 65 रुपीज. सो रुपीज का सिंबल 65 रुपीज एंड 50 पैसा. और इसको वर्ड में लिखोगे कैसे? 65 रुपीज एंड 50 पैसा, ओके. नाउ लुक एट हियर, 500 प्लस 50 प्लस 1, 551 क्या हो गया अमाउंट? 500
51.50 पैसे, ठीक है। तो आप इसको वर्ड में लिखोगे 515 रुपीज एंड 50 पैसा। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 120, लुक एट हियर, सॉल्व द फॉलोइंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर गिवन हियर, यू हैव टू सॉल्व, यू नो हाउ टू डू एडिशन इन मनी, मनी में कैसे एडिशन करते हैं। सबसे पहले पैसा को ऐड करेंगे, देन ऐड रुपीस, 0 + 5 पैसा 5, 8 + 0 8, सो एंड 7 + 0 7, राइट, आर एस यू कैन राइट, 2 + 3 5, सो 57 रुपीज़ 85 पैसा, डू दिस ऑल्सो, ओके। आप जानते हो अगर 6 + 5 11, जैसे यहाँ, तो आप क्या करोगे, कैरी ओवर करोगे ना, वन को यहाँ लिखोगे, 11 आया आंसर, तो 1 यहाँ लिखोगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा, ओके, ठीक है। इस तरह से आपको कैरी ओवर ही पता है कैसे करते हैं एडिशन। नाउ लुक एट हियर सब्ट्रैक्शंस, 5 - 5 0, 3 - 2 1, पैसा हो गया ये, एंड 4 - 5, नो वी कांट डू बिकॉज 4 इज स्मॉल नंबर एंड 5 इज बिगर नंबर, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बोरो, 1 यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 - 5 9, एंड 7 - 6 1, सो आंसर क्या हो गया, 19 रुपीज़ 10 पैसा। दिस वे आप यहाँ पे भी करोगे, 1 - 5 नहीं होगा, बोरो करोगे इधर से, ओके, और आप करोगे। नाउ लुक एट योर वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, एडिशन भी है वर्ड प्रॉब्लम में, सब्ट्रैक्शन भी है। नाउ लेट्स सी, राम बॉट अ ड्रेस फॉर ₹300, राम एक ड्रेस खरीदता है ₹300 से, एंड अ बुक फॉर ₹180, और बुक खरीदता है 180, ही गेव ₹500 टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को वो 500 का नोट देता है, ओके, हाउ मच डिड ही गॉट बैक, और कितना उसे रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड, ये दोनों को ऐड करेंगे ना, क्या है, ड्रेस का अमाउंट एंड बुक का अमाउंट ऐड करेंगे, द अमाउंट ऑफ ड्रेस फॉर ₹300 एंड बुक फॉर ₹180, ये दोनों का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 400 480 अमाउंट आ जाएगा आपको, इस दोनों को ऐड करने के बाद अमाउंट आ जाएगा 480, ओके, 480 अमाउंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 500 ही गिव टू शॉपकीपर, तो आपको 500 से माइनस कर देना है, तो अमाउंट जितना आएगा 500 से माइनस करने के बाद वो अमाउंट हो जाएगा हाउ मच डिड ही गॉट बैक, वो वापस उसको मिला, शॉपकीपर ने वापस रिटर्न किया, 0 - 8 नॉट पॉसिबल, 10 - 8 2, 4 - 4 0, जब यहाँ से हम लोगों ने बोरो कर लिया तो यहाँ क्या बचा, 4 है ना, तो 4 - 4 0 हो गया, सो 20 रुपीज़ वो वापस उसे मिला शॉपकीपर से, ओके। नाउ किशोर बॉट अ साड़ी, तो आप इसमें देखें कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हुआ है, ओके। नाउ किशोर बॉट अ साड़ी फॉर हिज मदर फॉर ₹350 एंड अ बुक फॉर हिज ब्रदर फॉर ₹125। इफ ही गेव अ नोट ऑफ ₹500 टू द शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर को उसने ₹500 का नोट दिया, और व्हाट ही परचेस्ड ₹350 एंड अ बुक फॉर 125, सो फर्स्ट वी हैव टू ऐड, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, हाउ मच डिड ही रिसीव बैक, कितने अमाउंट उसे वापस मिला, हाउ मच मनी इज पेड फॉर ऑल दिस आइटम, कितना उस दोनों आइटम के लिए वो कितना पे किया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐड करोगे ₹350 एंड ₹125 फॉर बुक, ओके। तो आप जब भी ऐड करोगे और जब ऐसे ही लिखोगे, ओके, एडिशन का साइन दोगे, अब पैसा को पॉइंट दे करके 0 0 लिखोगे, अगर पैसा नहीं है तो भी आप इस तरह से लिखोगे, 0 + 5 5 5 + 2 7 एंड 3 + 1 4 रुपीज़,
तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मच डिड ही रिसीव बैक, कितना उसे वापस मिला। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा रुपीज़ 500 ही गेव टू शॉपकीपर, उसने 500 शॉपकीपर को दिया। यहाँ कहाँ गया, इफ़ ही गेव नोट ऑफ 500, देखो आपने 500 उसने दिया है ना, आप यहाँ देखो यहाँ लिखा है ना 500 नोट। सो 500 से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे जितना वो स्पेंट किया, ये टोटल स्पेंट उसने कितना किया 475। उसने दो चीज़ परचेज किया जिसका अमाउंट हो गया दोनों को जोड़ने के बाद 475। तो हाउ मच डिड ही रिसीव बैक, उसने कितना उसे वापस शॉपकीपर ने दिया। सो टू नो दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 475 फ्रॉम 500। तो 0-5 नॉट पॉसिबल, तो आप यहाँ से 1 लोगे, यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ 10 होगा, फिर आप 10 यहाँ से 1 लोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ओके यहाँ 4 हो जाएगा। तो 10-5 5, 9-7 2, एंड 4-4 0। सो हाउ मच ही रिसीव बैक, 25 रुपीज़ उसे वापस मिला। एंड एक क्वेश्चन और है, हाउ मच मनी इज पेड फॉर ऑल द आइटम, दो आइटम उसने खरीदा साड़ी एंड बुक, और उसने कितना इसके लिए पेड किया, तो उसने पेड किया 475 पेड किया, ओके अंडरस्टैंड। सो डू दिस, ये दोनों आप वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसको कॉपी में करोगे, और कॉपी में कैसे करना है आई विल सेंड यू, ओके बाय बाय।